राजधानी है उसकी जो 26 जनवरी की झांकी होती है, जो हमारा टेबलो होता है, उसको केंद्र सरकार बार बार रिजेक्ट कर रही है। ये बात बताने योग्य है कि 26 जनवरी की झांकी दिल्ली में ही होती है, दिल्ली देश की राजधानी है। इसके बावजूद 3 साल से लगातार 2022 में दिल्ली की झांकी को रिजेक्ट किया गया, 2023 में दिल्ली की झांकी को रिजेक्ट किया गया, और अब 2024 की झांकी के लिए भी दिल्ली सरकार के प्रपोजल को रिजेक्ट कर दिया गया। मैं बताना चाहता हूं कि पिछले कुछ वर्षों से कौन से प्रपोजल हमारी तरफ से जा रहे हैं। 2022 में रिजॉल्व 75 करके टॉपिक था, उसके ऊपर हमारा डिजाइन दूसरे राउंड की मीटिंग में रिजेक्ट कर दिया गया। 2023 में नारी शक्ति विषय था, उसमें भी हमारा डिजाइन रिजेक्ट कर दिया गया। और 2024 में विकसित भारत क्राइटेरिया था, उस पर भी दिल्ली सरकार के आइडिया को रिजेक्ट कर दिया गया। अब कल कुछ भारतीय जनता पार्टी के लोग कह रहे थे कि वो तो टॉपिक पे डिपेंड करता है, तो जो टॉपिक है, जो विषय है, वो केंद्र सरकार ही देती है। उस केंद्र सरकार के विषय पे जो राज्य हैं वो अपनी झांकी का प्रपोजल देते हैं, डिजाइन देते हैं, 3D डिजाइन देते हैं, और केंद्र सरकार उस प्रपोजल को लगभग बदलती भी है। जितनी बार केंद्र सरकार के यहां मीटिंग होती है उतनी बार उस डिजाइन को वो लोग बदलते हैं, और उनके सुझाव के हिसाब से राज्य उसको बदलाव भी करते हैं। तो ये तो कोई कह ही नहीं सकता कि ये डिजाइन का कंपटीशन होता है, ये कोई कंपटीशन नहीं होता। उन्होंने हमारे डिजाइन में कुछ सुझाव दिए थे, हमने वो सुझाव मान लिए थे। अगर वो और सुझाव देते तो वो सुझावों पर भी हम लोग विचार करते। विकसित भारत विषय पे क्या कहा जा सकता है कि भारत कैसे विकसित होगा? शिक्षा और स्वास्थ्य व्यवस्थाओं से भारत शिक्षित होगा, और दिल्ली सरकार ने अपने टेबलों के अंदर दिल्ली के स्कूल और दिल्ली के मोहल्ला क्लिनिक्स के मॉडल को प्रपोज किया था। और ये इत्तेफाक नहीं है कि पंजाब सरकार के 26 जनवरी की झांकी को भी केंद्र सरकार ने रिजेक्ट कर दिया है। हमारा मानना है कि यह दुर्भावना वाला कदम है, और केंद्र सरकार सिर्फ और सिर्फ आम आदमी पार्टी की सरकारों से बदला लेने के लिए हमारी झांकियों को रिजेक्ट करती है। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका कोई प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं। मैं बात आपकी मान लेता हूं। देश में कितने राज्य हैं? 32। 3 साल के अंदर आप कितने राज्यों को मौका दे सकते हैं? 90 को? 3 साल में 96 राज्यों को मौका मिल सकता है? अगर आप 30 झांकी भी निकालते हैं, कितनी झांकियां निकालते हैं, 20 भी निकालते हैं, तो 60 को मौका मिल जाता है। अगर 20 झांकी एक साल में निकलती है तो 3 साल में 60 राज्यों को मौका मिल सकता है। राज्य तो 60 नहीं है, मतलब हर दूसरे साल सभी राज्यों को मौका मिल सकता है। तो केंद्र सरकार का जो लॉजिक है, जो तर्क है, वो एक कुतर्क है। देखिए, मैंने ये पहले भी कहा था और मुझे लगता था कि एलजी साहब उसका स्वयं संज्ञान अब तक ले लेंगे, क्योंकि अखबार में लगातार छप रहा है। 9 मार्च को मैं मंत्री बना, मार्च के ही महीने में मैंने एक मीटिंग ली जिसके अंदर स्वास्थ्य सचिव, डीजीएचएस और अन्य अधिकारी थे। उस मीटिंग में हमने कहा, मेरे निर्देश थे कि आप दवाइयों की, इक्विपमेंट्स की और कंज्यूमेबल्स की एक ऑडिट कराइए।
ये आदेश बड़े साफ थे। 3 अप्रैल को वो आदेश मिनट्स ऑफ मीटिंग में बनकर प्रकाशित भी हुए। जुलाई में मेरे दफ्तर से दोबारा आदेश दिया गया कि ये जो ऑडिट के निर्देश मैंने दिए हैं वो क्यों नहीं किए गए, कि आप ऑडिट कराइए। अब मैं ये पूछना चाहता हूं भारतीय जनता पार्टी से, एक अधिकारी को उसका मंत्री कह रहा है आप ऑडिट कराइए, आपने ऑडिट क्यों नहीं कराई? हो सकता है भूल गए हो, दोबारा कहा गया तो भी नहीं कराई, तिवारा कहा गया तो भी नहीं कराई, और उसके अंदर गड़बड़ी निकलती है। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है मंत्री चाहता था कि गड़बड़ी हो तो सामने आए, अधिकारी चाहते थे कि गड़बड़ी हो तो सामने ना आए। तो क्या उस अधिकारी को निलंबित नहीं करना चाहिए? मैं जानना चाहता हूं केंद्र सरकार से, एलजी साहब से। और अगर अब यह जांच होगी तो इस अधिकारी के रहते जिसने खुद ऑडिट नहीं कराई, क्या यह जांच हो पाएगी? क्या यह ठीक जांच होगी? भारतीय जनता पार्टी इस अधिकारी को क्यों बचाना चाह रही है जो साफ तौर पे ऑडिट से भाग रहे थे, ऑडिट नहीं करा रहे थे, कहने के बावजूद? वैसे तो मेरे कहने की जरूरत ही नहीं है, आपको मेरे बिना कहे ही समय समय पे इन चीजों की छानबीन करनी चाहिए, ऑडिट करनी चाहिए, ये आपका काम है। मेरे पास तो 7 विभाग है, स्वास्थ्य सचिव के पास तो 1 ही विभाग है, उनके पास तो 7 गुना ज्यादा समय है इन कामों के लिए, तो उन्होंने क्यों नहीं कराई? तो मैं, हम दोबारा से जो है इसकी सिफारिश भी भेजेंगे, मगर मुझे लगता है कि सिफारिश से पहले ही एलजी साहब को उनका जो है निलंबन करना चाहिए। और दूसरी बात, मैं लिखित में आज से जब यह मामला आया उससे 2 महीने पहले से ही अक्टूबर में हमने लिखित में दिया है कि उस समय की डीजीएचएस डॉक्टर नूतन मुंडेजा और हेल्थ सेक्रेटरी डॉक्टर एसबी दीपक कुमार कई सरकार की जरूरी नीतियों को रोकने की कोशिश कर रहे हैं, फरिश्ते स्कीम रोकने की कोशिश कर रहे हैं, अन्य चीजों के लिए जो है पैसे उन्होंने रोक रखे हैं, जानबूझ के चीजों को खराब करने की कोशिश की जा रही है, इनकी सस्पेंशन की जाए। ये सिफारिश मैंने मुख्यमंत्री जी के महोदय जी के तरीके की मार्फत उनके जरिए एलजी साहब को भेजी है। और इन दोनों अधिकारियों के खिलाफ, क्योंकि एलजी साहब ने कार्रवाई नहीं की, केंद्र सरकार ने कार्रवाई नहीं की, हम लोग सुप्रीम कोर्ट देश की सबसे बड़ी अदालत में गए हैं कि इन दोनों अधिकारियों के ऊपर कार्रवाई की जाए, और ये कह रहे हैं कि गड़बड़ी हो गई। अरे गड़बड़ी हो गई तो तुम्हारे ही तो अधिकारी गड़बड़ी कर रहे हैं, कार्रवाई क्यों नहीं कर रहे हो आप? तो मैं तो हैरान हूं कि एलजी साहब को क्या मेरी चिट्ठी की जरूरत है? उन्हें कार्रवाई अब तक कर देनी चाहिए, एक चिट्ठी में लिख चुका हूं, और दोबारा जो है हम इसकी सिफारिश करेंगे, बहुत जरूरी बात है। वो मैंने आपको जो कल मीडिया को कल शाम को बताया वही है, अभी सुबह जो दोबारा आएंगी दोपहर बाद तक तो मैं उसको बताऊंगा, वो जो आपको कल शाम को जो मैंने बताया वही है अभी, तो अब जब आज शाम को आएगा तो मैं बताऊंगा।